मिसेस स्मिथ दाने मोरी और आज हम 6 सितंबर 1962 डिफेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे फखर का दिन है। ये इनकी तरह मैं बना रहा हूँ वीडियो, काइंडली मुझे अपने सेंटर में उस दिन आना तरीके से कीड़ों की तरह चुपकर हमला किया था। शायद हिंदुस्तान ये भूल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की मानने वाली है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और हिंदुस्तान के गंदे अजाइम को देश को नाबूद कर दिया था। और आज जो हम जो आज डिफेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे ह्यूमन राइट्स डॉक्टर हाशिम साहब चेयरमैन है हमारे और हमारे सर इरफान है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करें इनके साथ ओवरसीज पाकिस्तान और ब्रिगेडियर जनरल और वेल एजुकेटेड पर्सन इनके साथ शामिल है जो एक नए अजम एक नई सोच के साथ इम्यूनिटी के लिए पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो हमारी हम सबकी और आप सबकी दुआएं के साथ शामिल होनी चाहिए कि इसी तरह से हमेशा ये वर्क करते रहे और ह्यूमैनिटी के लिए पाकिस्तान के लिए वर्क करते रहे। तो इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए हमारी ह्यूमन राइट्स डॉक्टर हाशिम साहब सर इरफान के लिए। क्लैपिंग में मजा नहीं आया, क्लैपिंग जोरदार होनी चाहिए क्योंकि आप याद रखिएगा पैसा हलाल है तो हिसाब देना है, हराम है तो अजाब सहना है। तो इसलिए अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, जो इस तरह की एनजीओ वगैरह है वहां आप लोग डोनेशन दें ताकि मुस्तहिक तक हक पहुंच सके। आज डिफेंस डे है तो उसपे हम लोगों ने सबने एक कदम उठाया था कुछ दिनों पहले कि हम सब एक हैं और हमने ये ठान लिए कि हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म तले जमा करेंगे और पाकिस्तान के लिए ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करेंगे। तो हमारी टीम हमारे साथ है, ये सलमान हुसैन है, फैशन डिजाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई ऐसे चैनल नहीं है जिसमें ये आते नहीं है, सब चैनल पे छाए हुए हैं। हमारी फरी निशा शिकैया फ्रॉम द सऊदी अरबिया और ये भी हमारी फैशन डिजाइनर है, गोल्ड मेडलिस्ट है और मॉडल भी एक्टर भी है। हमारी अलीशा है, हम टीवी में आती है और भी बहुत से ड्रामा वगैरह करती है। और ये हमारी मैमा है, बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, आप भी इनको देखेंगे इनका वर्क देखेंगे। और ये हमारी स्टूडेंट्स भी है, बहुत अच्छे मॉडल भी है और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं उनका। और हम काम कर रहे हैं, हमने इस लोगों ने उठाया हुआ है कि हम सब एक है और आज हमने अपनी परफॉर्म ऑनियर करने जा रहे हैं। हमने एक नेशनल सॉन्ग तैयार किया है ऐ वतन, क्योंकि अब इस टाइप के वतन को हम सबको संभालना है, आपको संभालना है। नथिंग विल चेंज अनलेस यू चेंज, कोई भी चीज उस वक्त तक तब्दील नहीं होती जब तक कि आप अपने आप को तब्दील नहीं कर ले। बिलीव मी, अगर आपने अपने आप को तब्दील कर लिया एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू, हर चीज आपके मुताबिक तब्दील हो जाएगी जैसे कि आप चाहते हैं। तो आज हम डिफेंस डे पे अपना नेशनल सॉन्ग परफॉर्म करने जा रहे हैं और ये नेशनल सॉन्ग रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होने के बाद ये ऑन एयर होगा तो आप इसको चैनल्स पे देखेंगे, सभी चैनल्स पे देखेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे इतने अच्छे गेस्ट आए हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि काइंडली आप लोग भी हमारे साथ आए और हमारे सॉन्ग का पार्ट बने क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा, चैनल पे ऑन एयर होगा वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। तो काइंडली हमारे रेस्पेक्टेबल गेस्ट काइंडली स्टेज पे आ जाए, हमारे साथ परफॉर्म करें। 6 सितंबर को आज हम लोग जो खुली फिजा में सांस ले रहे हैं तो उन शौदाए कराम की वजह से ही ले रहे हैं। हमारी मिट्टी की एक एक जर्रा और खुली हवाओं में भी आज भी इन शौदाए कराम के लहू की खुशबू महकती है। तो आज हमें खुली फिजा में सांस ले रहे सिर्फ उन शौदाए कराम की वजह से और अल्लाह पाक की रहमत की वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि काइंडली सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप खड़े होकर एक सलाम पेश कर दे हमारे शौदाए कराम को। इतना छोटा सा तो हम एक काम कर सकते हैं उनके लिए कि उन्होंने इतनी जाने दी, इतनी परेशानियां उठाई, इतनी मुसीबतें उठाई जिसका अंदाजा हमें है नहीं क्योंकि जिन्होंने फेस किया उन्हें ही पता। तो काइंडली अगर पॉसिबल हो तो आप लोग सिर्फ 30 सेकंड के लिए खड़े होकर उनको सलाम पेश करना है। सलाम पेश करते हैं हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा जवान बूढ़ा, हमारे हाजरीन हमारे नाजरीन सलाम पेश करते हैं तुझ पे ऐ मेरे शौदा-ए-कराम, सलाम हो तुझ पे।
थैंक यू सो मच और थैंक्स अ लॉट हमारी ह्यूमन राइट्स की एनजीओ का जो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, सर इरफान का, डॉक्टर हाशमी का, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज फ्रॉम हमारी साइड।